बिजनेस ओनर होने के नाते आपको अक्सर ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपसे उधार लेना चाहते हैं, कभी मजबूरी में, कभी सिर्फ पैसे बचाने के लिए, या कभी किसी और रीजन से। और हो सकता है कि किसी दिन अच्छे मूड में या जान पहचान के नाते आप उन्हें उधार दे भी दें। ये सब करने में कोई बुराई नहीं, जब तक आप इतना उधार न दे दें कि आपके पास कैश कम पड़ने लगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया है तो सबसे पहले आपको उन लोगों से अपने पैसे वापस लेने चाहिए जिनको आपने सबसे ज्यादा उधार दिया है। लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा? खाता बुक ऐप के सॉर्टिंग फीचर से। इससे आप अपनी दी हुई उधार को हाईएस्ट से लोएस्ट ऑर्डर में देख सकते हैं और सबसे ऊपर दिखने वाले लोगों को पैसे चुकाने के लिए बोल सकते हैं। और अब हम आपको बताएंगे कुछ टिप्स जिनसे आप अपने उधार को वापस पा सकते हैं और फ्यूचर में ऐसी परिस्थितियों से बच सकते हैं। अपनी दी हुई उधार को रिकॉर्ड करके रखें। सबसे पहली बात, आपको अपने उधार का ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए। हर ट्रांजैक्शन के बाद एक रिकॉर्ड मेंटेन करें और अपने कस्टमर्स को समय से पैसे चुकाने के लिए याद दिलाते रहें। अगर आपका कस्टमर पैसे समय से नहीं चुका रहा है तो उनके साथ बात करके हालात समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि सच में किसी फाइनेंशियल परेशानी के कारण ही वो पेमेंट में देरी कर रहे हो। ऐसे में उन्हें थोड़ा समय देने की कोशिश कीजिए या फिर पार्शियल पेमेंट जैसे प्लान अपनाइए। इस तरह से आप उन्हें बढ़ावा दे पाएंगे समय से पे करने के लिए और अपना उधार वापस ले पाएंगे। अपनी पेमेंट पॉलिसीज क्लियर रखें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बिजनेस को सीरियसली लें तो आपके बिजनेस में पेमेंट पॉलिसीज क्लियर होनी चाहिए। अपने कस्टमर्स को उन पॉलिसीज के बारे में बताइए ताकि वो उसके हिसाब से ही आपके बिजनेस के साथ बर्ताव करें। पॉलिसीज में आप टर्म्स एंड कंडीशंस, लेट पेमेंट पेनल्टीज, पार्शियल पेमेंट्स और पेमेंट प्लान्स जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं। अगर आप ये पॉलिसीज अपने कस्टमर्स को प्रोफेशनली समझा सकें तो इससे आगे चलकर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और लोग समय से आपको पे बैक कर देंगे। डेडलाइंस को बहुत ज्यादा न बढ़ाएं। उधार को ज्यादा दिनों तक चलने देना आपके बिजनेस के लिए रिस्की हो सकता है, इसीलिए सबके लिए आपको एक पेमेंट डेडलाइन सेट करके उसका पालन करना चाहिए। बार बार डेट आगे बढ़ाने से लोग उस डेडलाइन को हल्के में ले सकते हैं और आपका नुकसान हो सकता है। साथ ही आप जल्दी से पेमेंट पाने के लिए फैक्टरिंग और इनवॉइस फाइनेंसिंग जैसे ऑप्शंस के बारे में भी सोच सकते हैं। सबको उधार न दें। हर उधार को जरूरी न समझें। आपको कस्टमर्स के बारे में जानना चाहिए और सिर्फ उन्हें उधार देना चाहिए जो आपकी पॉलिसीज और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से मैनेज किया जा सके हो। इसके लिए आपको क्लियर क्रेडिट पॉलिसीज लागू करने की जरूरत है ताकि आप हर रिक्वेस्ट को केस बाय केस बेसिस पर इवैल्यूएट कर सकें। उधार देते समय आपको अपने कैश फ्लो पर भी नजर रखनी चाहिए ताकि बिना अपने बिजनेस को रिस्क में डाले हुए आप क्रेडिट को मैनेज कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल की मदद लें। अगर आपको उधार की वजह से लगातार फाइनेंशियल परेशानियां हो रही हैं तो आप प्रोफेशनल हेल्प लेने के बारे में सोच सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर्स, अकाउंटेंट्स और डेट मैनेजमेंट कंपनीज आपको इस परिस्थिति के लिए एक अच्छा समाधान दे पाएंगे। उनसे सलाह लेकर आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं और अपने बिजनेस को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकते हैं। साथ ही वो आपको आगे ऐसी परिस्थिति में न पड़ने के टिप्स भी दे देंगे। तो ये थी कुछ टिप्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप ज्यादा उधार देने से बच सकते हैं और ऐसे हालात को अच्छे से संभाल सकते हैं। अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और खाता बुक ऐप का ये सॉर्टिंग फीचर जरूर ट्राई करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।